20 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि लालू का राज बिहार से जाएगा, और ममता जी के सामने, लालू के सामने तो ममता जी का राजनीतिक सोच और समझ ये इतिहास इस बात का गवाह बनेगा। लेकिन वहां राष्ट्रीय जनता दल को नस्तोनाबूद करके भारतीय जनता पार्टी आई है और पूरी ताकत के साथ आई है, ये हमको समझना चाहिए। कोई नहीं सोचता था कि मुलायम का राज जाएगा, दूती बोलती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है। हर एक जगह हमारी सरकारें बन रही है, और मैं आपको बता देता हूं आने वाले समय में तेलंगाना में भी बनाएंगे, आंध्र में भी बनाएंगे, और बहुत जल्द प्रजातांत्रिक तरीके से पश्चिम बंगाल में भी हम सरकार बनाएंगे, ये हमको याद है। कल जो मैंने स्वागत में जोश देखा है ना, वो लोगों के हाथ फड़फड़ा रहे हैं, लोगों का मन फड़फड़ा रहा है। और मैं एक बात बता देता हूं, राजनीति में जो जितना दबाएगा उतना ही उठ करके वापस आएगा, इस बात को समझ लेना। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहने चाहता हूं, अपने रास्ते पर चलते रहो, अडिग रहो, अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ो, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी ही। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे, अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस लुप्त तो हो रही है। क्या बंगाल हम ये तस्वीर देखना चाहते हैं, फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ मर्डर इन इंडिया, हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस इन इंडिया वेस्ट बंगाल, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, थर्ड हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ वायलेंट क्राइम्स, और हमारी सीएम एवरी रेप घटना को बोलती है छोटो घटना हो, ये मुख्यमंत्री का बयान है। यानी रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होती होगी स्थिति, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और उसी तरीके से एज पर दी क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ 2019 केसेस ऑफ रेप्स एंड 944 इंसिडेंट्स ऑफ अटेम्प्ट टू रेप, ये वेस्ट बंगाल की तस्वीर है। 2019 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो कहना है, वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ किडनैपिंग ऑफ वुमेन केसेस, दैट मींस वुमेन ट्रैफिकिंग इज मैक्सिमम इन वेस्ट बंगाल, दिस इज द डिग्निटी शेरे बंगाल। और ममता जी बंगाल की प्राइड, और ये है प्राइड, ये है बंगाल की तस्वीर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज टेकिंग प्लेस इन वेस्ट बंगाल, ऐसा बंगाल देखना चाहते हैं क्या आप?